नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और हार्दिक पटेल आज जाएंगे मंदसौर। फायरिंग में मारे गए किसानों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। वहीं विवाद के बीच एक और किसान की मौत। मंदसौर हिंसा की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग गठित। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। कश्मीर के मेंढर सेक्टर में भारी गोलीबारी। फायरिंग में एक जवान भी जख्मी। आज दोनों देशों के डीजीएमओ की हो सकती है बात। फरार कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर ब्रिटेन की अदालत में आज होगी सुनवाई। 9000 करोड़ के डिफॉल्टर है माल्या। मुंबई में संदिग्ध हालत में मिला एक्ट्रेस कृतिका चौधरी का शव। घर में मिली एक्ट्रेस की लाश। पुलिस ने शुरू की जांच। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आज सीएम करेंगे बैठक। सरकार के कार्यों की होगी समीक्षा। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। आज एसीबी दफ्तर जाएंगे कपिल मिश्रा। सीएनजी और मेडिकल घोटालों का देंगे सबूत। केजरीवाल सरकार के खिलाफ है घोटालों का आरोप। मानसून की पहली बारिश से मुंबई बेहाल। निचले इलाकों में भरा पानी। सड़कों पर लगा जाम। कई उड़ानों के भी बदले गए रूट। 26 जून को होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। आतंकवाद, H-1B वीजा समेत कई मुद्दों पर होगी बात। रूस के पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। विपक्षी नेता अलेक्सी नावल्नी की अगुवाई में हजारों लोग सड़क पर उतरे। पुलिस ने नावल्नी समेत 250 प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। नावल्नी ने पुतिन सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। और चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पाकिस्तान श्रीलंका को दी 3 विकेट से मात। 14 जून को इंग्लैंड से होगी भिड़ंत। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।